क्रिसमस सबके साथ मनाया जा सकता है, लेकिन दीपक कलाल का ये क्रिसमस दीपक अपने मम्मी के साथ मनाता है, और वो भी हर साल। फैंस, क्योंकि यही वो मम्मी है जो दीपक कलाल के लिए चिकन से लेग पीस निकाल के रखती है। यही वो मम्मी है जो कहती है, बेटा मैंने सब्जी खा ली, लेकिन वो अचार के साथ सब्जी खाती है। यही वो माँ है जो बेटे को सब्जी कम पड़ती है तो कढ़ाई चाट लेती है। आज का ये जो क्रिसमस है वो मेरे प्यारे प्यारे मम्मी के साथ। आई लव यू मम्मी, आई लव। फैंस, आप भी आपके मम्मी से ऐसे ही प्यार करना। ये गर्लफ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ होती है वो माँ। लव यू मॉम। हेलो फैंस, हाउ आर यू। सबसे पहले मैं आप सबको मेरी क्रिसमस करना चाहता हूँ। वैसे तो ये क्रिसमास है, लेकिन दीपक के लिए ये किस मास है, क्योंकि बहुत किस करता है ये दीपक, और इसीलिए ये किस मास है। तो फैंस, बहुत मुझे खुशी हो रही है ये जताते हुए, ये जो प्यार है इसको आज मैं पूरे समाज के सामने रखने वाला हूं। क्या रिश्ता है हम दोनों का, ये फैंस और दीपक का। बहुत अटूट है ये रिश्ता फैंस, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ सुपरस्टार हूं वो आपके कारण हूं फैंस, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे सुपरस्टार बनाया। आप लोगों के प्यार में मैं बहते चला गया और आज इंस्टाग्राम 35,000 क्रॉस कर चुका। नया साल भी आगाज दे रहा है। मैं बहुत ही खुश हूं फैंस, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे मम्मी को भी इसमें शामिल करूं। मेरे मम्मी डैडी बहुत बहुत प्यार करते हैं मुझे, और वो मेरे वीडियो में भी एक्टिंग करते हैं। मेरी मम्मी की एक्टिंग सबको बहुत पसंद आती है, और मेरे जो फैंस हैं उन्होंने मुझे ये केक भेजा हुआ है। ये जो केक है ये मेरे फैन ने मुझे पेरिस से भेजा है, क्योंकि बहुत से मुझे फैंस ने पूछा कि आपको हम कहाँ से केक मंगवाएं, तो मैंने पेरिस वाले को ही चुना। ये जो कैंडल है ये कैंडल मुझे अफ्रीका से आई है, एक हबशी ने ये कैंडल मुझे भेजी है। इसी कैंडल को जला जला के मैं उजाला पाता हूं। और ये जो कैप है ये कहाँ की होगी, आपको क्या लगता है? ये जो कैप है ये मुझे मेरा जो लंदन का फैन है उसने मुझे भेजी है, और यही टोपा पहन पहन के मैं पूरा दिन घूम रहा था। बहुत मुझे पसंद है ये टोपा पहनना, लंदन का टोपा है ये। तो अभी मैं इसे निकाल रहा हूं, क्योंकि बहुत मेरे खूबसूरत बाल है, बहुत घने बाल है, तो उसको मैं मेरे फैंस को क्यों ना दिखाऊं भला। फैंस, अभी मम्मी और मैं हम दोनों नए साल में आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। आप सबका हम मनोरंजन करेंगे, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो फैंस मुझे नॉटी बॉय समझकर माफ कर देना, क्योंकि बहुत मुझे पसंद है मेरे फैंस के साथ मजाक करना, मस्ती करना, क्योंकि मैं एक कॉमेडियन हूं। मेरा ये जो सक्सेस है उसमें मेरे जो सर्वेंट है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी जो टीम है, जो मेरे मैनेजर्स है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे जो बॉडीगार्ड्स है, ये जो जेड प्लस सिक्योरिटी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सब लोग जो है वो मुझे हेल्प कर रहे हैं। ये जो सेलिब्रिटीज है
जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटीज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। फैंस, आप मुझे बताओ, क्या आप जिंदगी भर मेरे बने रहोगे? हर क्रिसमस को मैं आपको मिलूंगा, मैं आपको जिंदगी भर किस करते रहूंगा, मोमो करते रहूंगा और हंसाते रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम मां बाबा है। इंटरनेट में बहुत सारे लोग मम्मी मुझे मां बाबा नाम से जानते हैं। अच्छा। तो फैंस, ऐसे ही प्यार मुझसे करते रहना और जिंदगी भर मेरे बने रहना। फैंस, कंपटीशन बहुत है, हर घंटे के बाद इंटरनेट पे नए नए कॉमेडियंस आते हैं, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि आज इंडिया में मैं नंबर वन हूँ। बहुत मेरे वीडियोस को मिलियन मिलियन लाइक्स मिल रहे हैं। आज इंडिया में मैं नंबर वन यूट्यूबर हूँ। फैंस, मेरी ये जो पोजीशन है उसको ऐसे ही बरकरार रखना, उसके ऊपर आंच ना आने देना। फैंस, उसके ऊपर आंच ना आने देना। लव यू फैंस। दीपक फ्रॉम कश्मीर, मुझे टाटा कर जो। मम्मी, तुम भी कुछ फैंस को बताओ तुम्हारी तरफ से, ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें भी कुछ बोलना होगा। दीपक जो ये करता है सिर्फ सबको हंसाने के लिए करता है, बाकी उसका कुछ ऐसे नहीं है। उसका एम यही है कि इंडिया को, एब्रॉड ऑल्सो, सबको मैं हंसाऊँ, बस उसका यही एक एम है। तो तुम्हारी हंसी सबको बहुत पसंद है, तो तुम भी हंसो। लव यू फैंस, टाटा, लव यू, लव यू, लव यू, मॉ, टाटा।